नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ा धमाका आपके बीच में मैं लेकर आ चुका हूँ। सरकारी स्कूलों में आपकी जो भर्ती है वो की जाएगी, किन किन पदों पर आपकी जो भर्ती है वो की जाएगी। यहाँ पर पहले आपको चपरासी के पदों पर भर्ती मिलेगी, माली के पदों पर भर्ती मिलेगी और गार्ड के पदों पर आपको है भर्ती मिलेगी। भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। टोटल इसमें कितने पद रहने वाले हैं जानिए, पूरी एक ही वीडियो में पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप समय समय पर कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी अगर योजना आती है या कोई भी भर्ती की अपडेट आप समय समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो TGT और PGT की जो भर्ती है उसमें क्या अपडेट मिली है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी वीडियो के लास्ट तक, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में PGT TGT भर्ती उलझी, अब नई सिरे से होगी भर्ती, 2069 की नियुक्ति अटकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो TGT और PGT की जो भर्ती है वो नई सिरे से वो की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा कौशल निगम में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की ओर से 2075 की नियुक्ति की गई थी। इसी प्रकार 2069 अभ्यर्थियों को 2 दिसंबर को जो ऑफर लेटे भेजे गए थे लेकिन अब उनको स्कूलों में नियुक्ति के लिए भेजा गया, वहाँ पर पद खाली नहीं मिला। तो जो पद उनको स्कूलों में भेजा गया वहाँ पर उनका जो पद है वो खाली नहीं मिला। तो आगे देख लेते हैं क्या इसमें पूरी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत की जा रही PGT और TGT भर्ती है वो उलझ गई है। अब निगम इस भर्ती प्रक्रिया को विड्रा करके नई सिरे से भर्ती करेगा। इस संबंध से जल्दी आवेदकों को पास मैसेज भेजा जाएगा। खास बात यह है कि जिन 2069 अभ्यर्थियों जो ऑफर लेटर भेजा जा चुका है उनको भी अभी नियुक्ति नहीं दी जाएगी, उनका नई भर्ती में मेरिट के आधार पर है वो चयन है वो किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये है TGT भर्ती को लेकर। और 19 जुलाई को यानी कि आज उनकी जो बैठक है वो होने वाली है, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा उसमें आप मैं बता दूंगा, कोई अपडेट आती है चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब बात करते हैं ग्रुप डी की भर्ती के बारे में, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्ती होने वाली है ग्रुप डी की, उसमें क्या बड़ी अपडेट मिली है उसकी भी आज बैठक में चर्चा की जाएगी। 12 बजे ये बैठक होने वाली है, 12 बजे बैठक हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना अपडेट है वो नहीं मिली है। तो इसमें क्या है, आपको जो स्कूलों में वो पद दिए जाएंगे चपरासी माली और गार्ड के पदों पर आपकी जो भर्ती है वो की जाएगी और आपके जो लेटर है वो आपको जल्दी आपके पास है वो भेजे जाएंगे, मैसेज के थ्रू या डाक के थ्रू आपके पास है लेटर भेजे जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार में जो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, तो बस हमारे पास यही अपडेट है। अगर कोई और अपडेट आती है आपके बीच शेयर की जाएगी। तो बने रहिए हमारी चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।